बदलो, सही मार्ग पर चलो। हम भारतवासी हैं, सबको सही रास्ते पर चलने की प्रेरणा देते हैं। सोच बदलो, सही मार्ग पर चलो। मैं हूँ आज सुबह टाइम्स। नमस्कार, मैं हूं लालचंद सोनी। आज सुबह टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। आपको सीधे ले चल रहा हूं उत्तर प्रदेश कुशभावनपुर कटका, जहां पर आज भव्य समारोह के साथ साथ आज जो है विभिन्न कार्यकर्ता बीजेपी के पहुंचकर वहां पर सभी लोगों ने चुनाव परिणाम आने पर खुशी जाहिर किए। आज देश में चार राज्यों की विधानसभा की सीटों पर चुनाव परिणाम जोर शोर के साथ भव्य जीत बीजेपी की भरपूर तीन राज्यों में हुई। वहीं पर भव्य जीत की और तेलंगाना में कांग्रेस की जोरदार जीत देखी गई और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में बीजेपी की जीत पर आज सभी बीजेपी कार्यकर्ता जश्न और लड्डू और पटाखे और फूल मालाओं के साथ लोगों को सम्मानित करते हुए देखा गया। या आप सीधे देख रहे हैं कुछ उत्तर प्रदेश कुशभावनपुर कटका से, जहां पर देश भर में आज बीजेपी कार्यालय और बीजेपी के कार्यकर्ता जगह जगह लड्डू और मिष्ठान बांटकर आज खुशी जाहिर किए। फूल मालाओं के साथ सभी छोटे बड़े लोगों को सम्मानित किया गया और यह सम्मान आज सभी कार्यकर्ता खुश नजर आए। आज एक दूसरे को सम्मानित करते हुए आप यह फुटेज देख रहे हैं। सीधे कुछ जिला कुशभावनपुर कटका से खास रिपोर्टिंग आज सुबह टाइम्स टीम आप सभी का या खास रिपोर्टिंग। जी स्वागत है। इस वक्त आप कुशभावनपुर के डिस्ट्रिक्ट और कटका में आप विराजमान हैं और आज जो है बड़ी खुशी मनाई जा रही है। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि तीन राज्य में जो है बम्पर भारी जीत बीजेपी की हुई है। वैसे तो मध्य प्रदेश में आपकी बराबर जीत बीजेपी की ही होती रही है और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के बदले में आज बीजेपी की भारी बहुमत से विजय हुई है। राजस्थान में भी वही दोहराया गया है। बीजेपी की आज मना रहे हैं। जी स्वागत है सर, आप कहां से, क्या नाम है सर? हमारा नाम रुपेश कुमार सिंह है, सुल्तानपुर से निवासी हैं। कटका खानपुर में हमारे सभी पदाधिकारी के बंधुओं के साथ हम लोग जो है जो देश आज आज बड़ी खुशी मनाई जा रही है कटका में, तो आप इसे लेखते हुए क्या कहना चाहते हैं, किस बात को लेकर खुशी मनाई जा रही है? ये भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत के उसमें तीन राज्यों पर हम लोगों ने विजय प्राप्त किया है। मोदी जी की जन कल्याणकारी योजनाओं की वजह से आज हम लोगों ने जीत हासिल किया है। वहाँ के कार्यकर्ताओं की वजह से जीत हासिल हुई है। सभी कार्यकर्ता जो है पाँचों वर्ष पूरा काम दिन रात मेहनत करते हैं, जिसकी वजह से यह जीत हासिल हुई है। सभी कार्यकर्ताओं को यह जीत समर्पित है और भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता जो है जी सर इस प्रकार से काम करते रहे। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। जी जिस तरह से बम्पर जीत हुई है तो आप क्या कहना चाहते हैं, जिस तरह से कोई मुख्यमंत्री वहां पर जो है खड़ा नहीं किया गया, सिर्फ जो है कमल फूल और देश के प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के चेहरे पर ही जो है लोगों ने वोटिंग किया, आप इसे क्या कहना चाहते हैं, कितना मजबूती के साथ आज देश के प्रधानमंत्री श्री मोदी जी जो है खड़े हुए हैं और लोग जो है उन पर निर्भर होकर वोट दे रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं सर? मोदी जी हमारे विश्व के नेता हैं, विश्व वैश्विक नेता हैं और उनकी वजह से पूरे विश्व में भारत की जो है जय जयकार हो रही है और उन्हीं की कल्याणकारी योजनाओं की वजह से आज प्रचंड बहुमत से जीत मिली है उनको तथा पूरे देशवासियों को इस जीत की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। जी आप क्या कहना चाहते हैं सर, आप एक सन्यासी भी हैं और इसी धरातल पे आप 40 पूर्व मंडल अध्यक्ष भी हैं। जी 40 किलोमीटर यहाँ अयोध्या भी है, क्या कहना चाहते हैं सर इस जीत? आप इतनी कल्याणकारी योजना जो हम 500 साल से इस राम मंदिर के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं वो हमारी जीत हुई और हमारा भव्य राम मंदिर बन के तैयार हो गया है और 22 जनवरी को उसका उद्घाटन भी है। जी स्वागत है। इतनी बड़ी योजना जो है और इतना बड़ा काम जो हिंदू समाज के लिए हो गया, पूरे देश के लिए हो गया, इससे बड़ा और काम क्या हो सकता है? जी जी है? उसके बाद वहाँ जो हमारे कार्यकर्ता हैं, जैसे मध्य प्रदेश हुआ, छत्तीसगढ़ हुआ, राजस्थान हुआ, हमारे कार्यकर्ता जूझते रहते हैं जी भाजपा गवर्नमेंट के लिए,
क्योंकि भाजपा किसी पक्ष की सरकार नहीं है, वो पूरे देश की सरकार है और पूरे विश्व में भारत की जय जयकार भी हो रही है। और आप क्या जानना चाहते हैं, आप बताइए जी। तो आप देख रहे हैं कटका से कितनी जो है बुलंदियों के साथ उत्सव और उमंग है और सभी लोग जो है आज खुश हैं। आइए हम पूछते हैं जी, स्वागत है सर, कैसा लग रहा है आज जी, क्या कहना चाहते हैं सर? अटक से कटक तक, कश्मीर से कन्याकुमारी तक केवल एक भगवा झंडा होगा जी, भारत माता जय जयकार होगी। और क्या कहना चाहते हैं सर इस खुशी में? भारत होगा, परम वैभव भारत होगा, राम राज्य होगा, दूध दही नदी बहेगी, एकदम प्रसन्न चित्त होंगे जी। जब गगन पर फिर से भगवा फहराएगा जी। जय जी। आप क्या कहें आज जो है आदरणीय प्रदेश, क्या नाम है सर, कहाँ से? नारायण पांडे। कहाँ से जी? कैसा लगा सर आज आपके आज जो है? खुशी का दिन है, बहुत ही गौरव का दिन, गौरवान्वित हो रहे हैं हम लोग। भारतीय जनता पार्टी माय पार्टी का जो है उत्मुख उद्देश्य है, सबका साथ सबका विश्वास सबका विकास, सब पे चल रही है। और हमारे मोदी जी जो है रात दिन जो है चरई बेटी चलते जा रहे हैं जो है जी। हाँ, हमारे पार्टी का पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंतिम पायदान पर बैठा हुआ व्यक्ति के लिए आज हमारे मोदी जी जो है, चाहे अन्न की योजना में, चाहे गैस की योजना, एक प्रकार की योजना आज जो है धरातल पर चल रही है, धरातल पर काम हो रहा है। इसलिए जनता भी और पूरे देश में जो है एक आज हर्ष और उल्लास का दिन है जी। चल जल्दी आपसे पूछना चाहते हैं सर, 22 जनवरी को देश के प्रधानमंत्री श्री मोदी जी आपके क्षेत्र में आ रहे हैं, तो आप कितना खुश हैं सर इसे? हम लोग बहुत खुश हैं, हम लोग जो है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है आम जनमानस से निवेदन करेंगे, सब लोग पहुँचेंगे, भागीदारी भी रहेगी, पहुँचेंगे उसमें जी। सर मोदी गारंटी को लेकर आप क्या कहेंगे? इस वक्त बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार किया जा रहा है, क्या कहना चाहती हैं? मोदी जी के सभी कार्यों की सभी गुणवत्ता के साथ पूरी गारंटी है कि वो सभी जितने भी पात्र हैं सभी पात्रों तक उनका जो लक्ष्य है वो पहुंचता है और सभी को उसका लाभ मिलता है, यही उनका लक्ष्य है। भारत माता की जय। उनके द्वारा किए गए प्रत्येक कार्यों से सभी लोगों को लाभ प्राप्त हो रहा है जी। जिस तरह से अपना देश विश्वगुरु वैसे तो बहुत पुराना ही रहा है, लेकिन आज के समय में लोग भारत को ज़्यादा जो है देख रहे हैं, तो आप विश्वगुरु के लेकर आप क्या कहना चाहते हैं सर? आज पूरा विश्व भारत की तरफ देख रहा है, जो हमारा भारत जो आध्यात्मिक देश है, जो हमारा भारत की संस्कृति है, वो सभी चारों पूरे विश्व में जो है फैली हुई है, पूरे उसकी विचारधारा पूरे विश्व में फैलेगी। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में यह पूरे विश्व में यह संदेश जा रहा है, उनके किए गए कार्य और उनके द्वारा जो सबका साथ सबका विश्वास और सबका विकास का कार्य है पूरे विश्व में फैलेगा और पूरे विश्व में भारत एक बार पुनः जो है महाशक्ति के रूप में उभरेगा और भारत माता की जय जयकार होगी और क्या नाम है परम वैभव की पर प्राप्त होगा जी। चलते चलते एक और आपसे बात करना चाहता हूँ, जिस तरह से आप देख रहे हैं कि लगातार भारत की छवि नंबर वन पे चल रही है और लोग जो है किसी भी जो है किसी की भी सहायता करना हो, चाहे दोस्त की हो या दुश्मन की, हम सभी का जो है क्या कहते हैं सहायता करते हैं, तो आप क्या कहना चाहते हैं सर? ये हम लोगों की संस्कृति ही इसी प्रकार की रही है, हम लोग सदैव जो दूसरे की मदद करने वाले लोग हैं, हम सदैव जो है सर्वे भवन्ति सुखना वाले लोग हैं, इसलिए हम लोग इस संस्कृति के साथ विचारधारा के साथ आगे बढ़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी विचारों की पार्टी है, अपने विचारों को जन जन तक पहुंचाने का काम करेगी, जिससे आने वाले समय में पूरे विश्व में भारत माता की जय जयकार जी। स्वागत जी। जय 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 श्री राम। भारत माता की जय। 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 भारतीय जनता पार्टी लड्डू बोला भाई, बोला वाले भैया।
आइए शास्त्री जी आइए शास्त्री को गिराते हुए नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक करें और आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।